मध्य प्रदेश के कटनी जिले के कलेक्टर अवि प्रसाद ने बच्चों और उनके संरक्षकों को भेंट की। कटनी कलेक्टर ने बच्चों से बातचीत की, उनकी समस्याओं के बारे में सुना और कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बच्चों के साथ खाना खाया। इसके साथ ही बच्चों को विदाई के वक्त चॉकलेट सहित ढेरों उपहार दिए। आपको बता दें कि इन बच्चों के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। कलेक्टर ने बच्चों से कहा कि वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमारा प्रयास ही रहता है कि ये वो बच्चे हैं जो कोविड के दौरान जो परिस्थितियां बनी इसमें इन्होंने अपने अभिभावकों को खो दिया। तो जिला प्रशासन न सिर्फ इनको आर्थिक सहायता देता है शासन के निर्देश के अनुसार, बल्कि समय समय पर इनके परिवारों से मिलकर इन बच्चों की प्रगति के बारे में, वो कुशल हैं इसके बारे में भी बातचीत करता है। इसी सिलसिले में आज हम लोग बैठे थे और बच्चों से चर्चा की गई कि वो उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, वो आगे क्या करना चाहते हैं अपने करियर में। कुछ बच्चों ने अपनी इच्छाएं व्यक्त करी कि वो व्यवसायिक प्रशिक्षण चाहते हैं। उसके लिए हम लोगों ने तुरंत उनकी बात का संज्ञान लेके समस्त व्यवस्थाएं करने का निर्णय किया है और ये रेगुलरली हम लोग ये बैठक करते हैं ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि ये बच्चे जो हैं वो अपने अभिभावकों की कमी की वजह से जो है वो करियर में पीछे ना पिछड़े अपने।